अभीरा को मिला अरमान का सहारा। सो गाइस, ये रिश्ता कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है अभीरा और अरमान का एक प्यारा सा मोमेंट, जहाँ पे अभीरा करती है अरमान को थैंक यू। यानी कि अभीरा बोलती है, थैंक यू सर, आपने मुझे गुंडों से, यानी कि जो बैचलर पार्टी में अभीरा के साथ हुआ उन लोगों से बचाया। जहाँ पर अरमान अभीरा को बचा भी लाते हैं और बहुत ज़्यादा अभीरा पर गुस्सा भी करते हैं कि तुम वहाँ पर कैसे गई, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, बहुत कुछ बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे क्यूट मोमेंट आते हैं पे अभीरा का एक प्यारा सा रिएक्शन आता है, और अभीरा भी प्यार से अरमान के गुस्से को सुन रही होती है। जहाँ पे उसके बाद उसके नेक्स्ट डे एक मोमेंट आज देखने को मिलने वाला है आपको, जहाँ पे अभीरा जो है अरमान को थैंक यू बोल देंगे, थैंक यू सर आपने मुझे बचा लिया। वहाँ पे अरमान बोलते हैं कि तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभीरा कहती है, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो अरमान बोलते हैं, मैं क्यों नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। सो गाइस, फैन तो बोल रहे हैं कि इस जो ये क्वेश्चन बोला था, मतलब ये डायलॉग जो अरमान ने अभीरा के लिए बोला कि मैं क्यों नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तो ये मोमेंट अगर रूही ने सुन लिया होता तो रूही का एक्सप्रेशन क्या होता, रूही के हालात क्या होते कि अरमान ने बोला कि वो अभीरा को कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा अभीरा के साथ रहेंगे, चाहे शादी के रिश्ते में रहें या दोस्ती के रिश्ते में रहे या जैसे भी रहे, लेकिन वो हमेशा अभीरा को प्रोटेक्ट करेंगे हर मुसीबत में। उनकी फैमिली बनकर तो नहीं, मतलब वाइफ और हस्बैंड की बन के तो नहीं, बट वो हमेशा अभीरा के साथ ही रहेंगे, ऐसा अरमान ने प्रॉमिस किया है अभीरा से। सो गाइस, अब मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी अभीरा अरमान की ही शादी होने वाली है। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीरो जो है उससे किस साइड कैरेक्टर की शादी हो जाए, यानी कि रूही की शादी हो ही नहीं सकती, अरमान से अभीरा की होगी, देखना मुझे तो अंदाज़ा है और सभी को पता है, फैंस को भी, कि यही होने वाला है। दादी साहब भी बहुत नाराज़ तो होंगी जब अभीरा की एक बार फिर से अरमान से शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ तो होगा आने वाले एपिसोड में कि अभीरा को जान पूछ कर ही अरमान से शादी करनी पड़ेगी। आपका क्या रिएक्शन, कमेंट बताओ।